हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नाइस इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। दोस्तों, आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबा देना है और उसके बगल में एक बेल आइकन घंटी भी मिलेगी, उसे ऑल नोटिफिकेशन ही दबाना है। दोस्तों, वो दबाने से मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग थंबनेल और टाइटल पर देख कर समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पर मेरा वीडियो आने वाला है। दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये केम्पो कंपनी का सेटअप बॉक्स है। दोस्तों, आप इसको जब भी यहाँ पे इस बॉडी को छूते हैं तो करंट लगता है आपको, इसी के बारे में मैं आज बात करूँगा। दोस्तों, कभी कभार आप जब भी इसको छूने जाते हैं तो आपको करंट का झटका लगता है। दोस्तों, इसे कैसे ठीक करना है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारियाँ मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको झटका लगता है करंट वाला। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे LNB में लगाते हैं वायर जो कि छतरी के तरफ जाता है, तो उसे भी आप जाकर छूते हैं तो वहाँ पे भी करंट लगता है। LNB में जो वायर कसाया जाता है दोस्तों, उसे भी आप जाकर छूते हैं तो वहाँ पे भी आपको करंट लग जाता है। दोस्तों, इसी सेटअप बॉक्स में वो प्रॉब्लम आता है कि आपको झटका लगता है, तो उसको कैसे ठीक करना है बिल्कुल आसान तरीके से आपको इस चैनल पे सिखाया जाता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे गुजारिश है कि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे ही दबाना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये दोस्तों, इसी कारण ये होता है। ये दोस्तों पावर सप्लाई है, इसे SMPS भी बोलते हैं, तो इसको रिपेयरिंग करना है। दोस्तों, इसी के कारण आपको शॉर्ट लगता है। तो दोस्तों, आप इसको छूते हैं, कभी भी इस बॉडी को छुएंगे तो आपका झटका लग जाएगा करंट वाला, और दोस्तों इसी के कारण ये झटका लगता है आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये पावर सप्लाई है, इसे SMPS भी बोलते हैं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आता है कि इस मतलब बॉडी छूते हैं तो करंट का झटका लगता है, इसी के बारे में मैं आज बात करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत सारा कंपोनेंट लगा हुआ है, आपको चेक करना है कि कौन सा कंपोनेंट मतलब ख़राब है, इसी के कारण आपको झटका लगता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसमें सेकेंड प्राइमरी और फर्स्ट और सेकेंड दोनों प्राइमरी इसमें है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये डिडीर का निशानी देख रहे हैं आप लोग, इसी के कारण यहाँ पे देख सकते हैं इस पे यहाँ पे ये PF लगा हुआ है, देख सकते हैं, और एक यहाँ पे PF लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये नीला वाला। दोस्तों, इसी के कारण ये होता है, ये दो PF है। तो दोस्तों, आपको कौन सा इसमें हटाना है ये आपका करंट मतलब वो झटका ना लगे करंट वाला, तो इसी के बारे में मैं आज बात करूंगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे कभी कभी ये भी ख़राब हो जाता है तो झटका लगता है करंट का, और ये भी। तो दोस्तों, आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये AC वाला है। दोस्तों, यहाँ पे ये वायर है। दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर DD है एक, ये DC है और ये AC। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये AC वाला है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे AC वाला है, तो इसको नहीं काटना है। दोस्तों, इसको नहीं काटना है, ये कभी भी ख़राब मतलब ये ख़राब होता है तो करंट नहीं लगता है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक, ये दोस्तों यहाँ पे PF वाला दोनों टंगड़ी दोस्तों एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो दोस्तों, इसको आपको इसको एक छोर को काट देना है, जैसे ही आप काट देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके TV में झिलझिलाहट मतलब जैसे कि हल्का हल्का झिलझिलाहट आता है तो इसी के कारण होता है दोस्तों, तो आप इसको काटे नहीं, आपके पास दूसरा पावर सप्लाई होगा, उसमें से इसको निकाल कर यहाँ पर इंस्टॉल कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। इसमें माइनस प्लस नहीं रहता है, आप जिधर मतलब इधर को उधर भी लगा देते हैं तो इससे कोई तकलीफ़ नहीं होगा। दोस्तों, तो यही है दोस्तों, ये PFA के कारण आपको झटका लगता है, जब भी आप सेटअप बॉक्स को बॉडी को छूते हैं तो आपको झटका लगता है। और दोस्तों, मेरा सेकेंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर भी हम डिश से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसी के बारे में मैं आज बात कर रहा था
कि आपको झटका ना लगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगा, तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।